वेलकम टू डेडी आर्ट एंड क्राफ्ट एम्ब्रॉयडरी चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारे दिनों में हम लोगों ने आप लोगों को जो है ग्लास पेंटिंग्स के हवाले से तमाम वीडियोस चलती रहीं, ट्यूटोरियल और बिगनर्स दोस्तों के लिए, और काफ़ी अच्छी मेच्योर वीडियोस भी हम लोगों ने उसमें लेसन दिया है, और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और साथ साथ में सोचा है कि पिछली ईद के बाद से लेके अब तक जो है कोई भी एम्ब्रॉयडरी के हवाले से कोई वीडियो नहीं हम लोगों ने शेयर की। तो ये एक ड्रेस स्टार्ट किया है मैंने तो, और ये उसका ऑलमोस्ट आरी का काम आज कंप्लीट कर लिया है। मैंने पहले भी आप लोगों को आरी के बारे में बताया था कि बहुत ही ईजी है, और एक एक टांग का करके दिखाया भी था, सिखाया भी था। और ये अभी इसमें अगर नहीं आप लोगों ने वो देखी वीडियो, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो से भी वो हेल्प ले सकते हैं। ये आरी है, बहुत इजीली आपको जरदोजी की शॉप से 20 से 25 रुपए में या 30-35 तक आपको आसानी से मिल जाती है। आप लोगों ने तिले के गोट को अड्डे के नीचे रखना है और उसकी गांठ बांध के, और ये इसकी नॉट से, इसकी मदद से, आरी की मदद से उसको ऊपर लेके आना है, और स्टेप बाय स्टेप ये कुंडल बनता जाएगा। आपने नीचे से कुंडल को धागा देते जाना है, और वो उसी कुंडे को ऊपर लेके आएगा, और एक कुंडा दूसरे कुंडे के अंदर डाल के इसी तरह से एक चैन बनना शुरू हो जाएगी। बहुत इजी है, और बचपन में तमाम लोगों ने कॉबलर्स को, मोचियों को जूते रिपेयर भी करवाए होंगे या बनाते हुए भी देखा होगा। तो सेम ये उसी टाइप की ही आरी होती है, बस वो ज़रा मोटी होती है, और वो जूते और उस के हवाले से होती है, काम करती है। और ये है कपड़ों के हवाले से, तो कपड़ों में एक अपनी एक नज़ाकत है, तो डेफिनेटली ये बारीक स्टाइल से होती है। तो आज जो है अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपके साथ जो शेयर की है वो सारी की सारी ये आरी की क्लास है, कि सबसे पहले आप ड्रेस को जो है अड्डे पे लगाते हैं, अड्डे के लगाने के बाद आप उस सूट को ट्रेस करते हैं कि आपने उस पर बनाना क्या है। उसके बाद आपने अपने उस सूट के कलर्स के मुताबिक सिलेक्शन करनी है कि हाँ, आपने ये आरी धागे की मदद से करनी है, रेशम की मदद से करनी है, या आपने तिले की मदद से करनी है। तो वो सिलेक्शन आपने करनी है। उसके बाद आपने जो है मोती सितारों का, वो हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया।